हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है? तो ये रेमेडी 100% काम करती है। इसे यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, झाइयाँ की जो भी प्रॉब्लम होती है, झाइयों की, वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि झाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसा क्या लगाएँ जिससे हमारी झाइयाँ ठीक हो जाएँ। तो आपको रेमेडी को कितनी बार लगाना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसे यूज़ करना है, और अगर आप इसे यूज़ करेंगे तब रिज़ल्ट आप खुद देख पाएंगे, बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ में आप फ्रूट अच्छे खाएंगे और सलाद लेंगे तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट आएगा। तो इसे कैसे बनाना है वो वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन। तो मैंने बड़ा चम्मच, 2 चम्मच के करीब आप बेसन ले लीजिएगा, अगर आपके पास चम्मच छोटी है तो आपको 2 चम्मच बेसन लेना है। और यहाँ पे 1 चम्मच लेना है लाल मसूर की दाल का पाउडर। तो फ्रेंड्स, लाल मसूर की दाल जो है ना, हमारे चेहरे की झाइयों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये मैंने घर पे ही बनाई थी लाल मसूर की दाल का पाउडर, आप भी घर पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच लिया है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर भी जो है ना, हमारी झाइयों को बहुत जल्दी ठीक करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं टर्मरिक ले रही हूँ, हल्दी ले रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने, कस्तूरी हल्दी ली है मैंने। आपके पास अगर किचन वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ आलू का रस। फ्रेंड्स, जो आलू का रस है ना, हमारी झाइयों को ठीक करता है, दाग धब्बों को ठीक करता है, हमारे चेहरे पे जो टेनिंग हो जाती है उसे भी ठीक करता है, क्योंकि आलू जो है वो ब्लीच का काम करता है हमारे चेहरे पे। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सारे नेचुरल हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, तो आपको 1 से 2 मिनट इन्हें मिक्स करना है। इसमें लम्स ना रहें, क्योंकि मसूर की दाल जो है वो थोड़ी चिपचिपी होती है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ब्यूटीफुल आया है। और इसे पूरे चेहरे पे आपको कितनी बार लगाना है वो भी बताऊंगी। इस रेमेडी को आप जब बनाएं तब उतनी ही बनाएं जितनी आपने अपने फेस पे लगानी है। आप गर्दन पे भी इसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप बना के स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बना ली है, अच्छे से मिक्स हो गई है और मैंने बना भी ली है। अब इसे पूरे फेस पे लगाना है। लगाने से पहले पूरे फेस को वॉश करना है, उसी के बाद इसे लगाना है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसे लगाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से पूरे फेस पे लगाना है, और इसे लगाने के बाद आपको ना ही फेस वॉश का यूज़ करना है, ना ही साबुन का यूज़ करना है। आप जब इसे लगाएं तो उससे पहले ही अपने फेस को अच्छे से साबुन या फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है आपको। और आप इसे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी झाइयाँ जो हैं वो जड़ से चली जाएँ। और फ्रेंड्स, झाइयों की प्रॉब्लम जल्दी जाएगी अगर आप साथ में फ्रूट खाएँगे, सलाद लेंगे, तो बहुत जल्दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे पूरे फेस पे लगा लेना है। तो मैं अच्छे से पूरे फेस पे इसे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरे फेस पे लगा लिया है, और अच्छे से इसे लगा के कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप चाहें तो 20 मिनट भी इसे लगा के रख सकते हैं, अगर झाइयाँ बहुत ज़्यादा है तो। आप 20 मिनट रखना चाहें तो 20 मिनट रखें, और आप चाहें तो इसे 15 मिनट भी रखें। 15 मिनट जब हो जाएं तो ये हल्का सा सूख जाता है। तो आप क्या करें, 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज करें। मसाज आपको ऊपर की तरफ करनी है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करनी है। आप आराम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। मसाज करने से आपकी झाइयाँ जल्दी, धीरे धीरे जब आप मसाज करेंगे तो आपकी झाइयाँ जो है वो जल्दी ही चली जाएगी, क्योंकि मसाज करने से हमारी जो डेड स्किन है वो भी निकल जाती है। तो आप क्या करें, 3 मिनट इसे आराम से मसाज करें। तो फ्रेंड्स, आपको 2 से 3 मिनट मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश करना है। नॉर्मल पानी ले सकते हैं, या फिर गुनगुने पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश करें। तो मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट मसाज करूँगी, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद जब मैंने फेस को वॉश किया तो रिज़ल्ट आपके सामने है।
बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है आपकी स्किन पे, जितनी भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर लगाएं, झाइयों के लिए ये बेस्ट रेमेडी है, वो काम करती है 100%। अगर आप इसके साथ में लगाने के साथ में अगर आप खाने में दही लेते हैं, विटामिन सी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सलाद तो ज़रूर ही खाएं, जब भी खाना खाएं सलाद थोड़ा ज़रूर लें, टमाटर होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया, और विटामिन सी लें तो आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स लगाने के साथ में खाने पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी झाइयाँ चली जाएगी। तो आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेमेडी को ज़रूर लगाएं। सिर्फ देखना नहीं है, आपको अपने चेहरे पे लगाना भी है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।